बिहार के जमुई में चावल की कालाबाजारी पर एसडीओ का डंडा चला है। यहां भारी मात्रा में खाद्यान्न जब्त किए गए हैं। दो गोदाम को एसडीओ ने आज सील कर दिया। एसडीओ ने इस मौके पर कहा कि व्यापारी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है कि बोरा बदल कर जनवितरण प्रणाली के चावल की कालाबाजारी करने का यहां धंधा चल रहा था और इस तरह की सूचना मिलने के बाद एसडीओ ने गंभीरता दिखाई, त्वरित कार्रवाई की गई और आखिरकार शिकंजा कस दिया गया। 2500 से अधिक चावल के बोरे को आज जब्त कर लिया गया, जिसके कारण से जमुई में आज जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं में खलबली का माहौल देखा गया। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पीडीएस का जनवितरण प्रणाली का जो राशन आता है उसको यहाँ पे कुछ व्यापारियों के द्वारा बोरा बदलकर प्लास्टिक या अन्य बोरों में डालकर उसका मार्केटिंग किया जाता है, उसके बाद उसको वापस से बाजार में बेचने कालाबाजारी का काम करते हैं। उसी के आलोक में यहाँ पे छापेमारी हुई है। जमुई प्रखंड में दो जगह पे हुई है। दोनों जगह पे हम लोगों को माल प्राप्त हुआ है। जिन दोनों जगहों को अभी सील कर दिया गया। कल सुबह में सारे माल को निकाल के जिम्मेनामा लगा के किसी को दिया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उधर राजधानी पटना में एलजेपी में मची भगदड़ पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया है। उन्होंने इस मौके पर चिराग पासवान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान इस्तीफा दे दें और पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंप दें, तब जाकर रुक सकती है भगदड़। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, उसकी बर्बादी देखकर बड़ा दुख होता है। मेरा चिराग पासवान जी को मुफ्त में एक सलाह है कि अगर वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का सपने का बंगला, सपनों का लोचपा बचा रहे, वो विलुप्त ना हो, तो अविलंब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफा दें और अपने चाचा लोजपा के सांसद, लोजपा को बनाने वाले पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंप दें। लोक जनशक्ति पार्टी में अब चिराग पासवान को नेता मानने वाला कोई नहीं है। सबको पता है कि यह चिराग बंगले में आग लगा रहा है, इसलिए लगातार पार्टी में भगदड़ मची है। चिराग पासवान जी से पुनः मेरा अनुरोध है कि अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी को बचाना चाहते हैं तो अविलंब अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और अपने चाचा पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंपे, तब जाकर लोक जनशक्ति पार्टी बच सकती है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जल्द ही अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जल्द ही लोजपा के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी अस्तित्वहीन हो जाएगी। उधर बिहार के मोतिहारी में स्कॉर्पियो से 12 लाख रुपए उड़ा लिए गए। पूर्व मुखिया के स्कॉर्पियो गाड़ी से कैसे अपराधी रुपए से भरी थैली निकालकर दिन दहाड़े फरार हो रहे हैं, यह सारा घटनाक्रम एक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। सीसीटीवी में यह सारा वारदात कैद हो गया। कैद वीडियो में यह स्पष्ट रूप से घटनाक्रम देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया की पत्नी थोड़ी सी लालच में अपनी कमाई का 12 लाख रुपए गवा बैठी। हुआ यूं कि पूर्व मुखिया अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से मोतिहारी गए थे, बैंक से राशि निकाली, उसके बाद गाड़ी अपने चलाते हुए ज्ञान बाबू चौक पर रोककर बच्चों को फास्ट फूड खिलाने गए। गाड़ी पर उनकी पत्नी बैठी थी। रुपया से भरा थैला गाड़ी पर था। एक पल्सर गाड़ी से तीन अपराधी आकर बगल में रोकते हैं। बाइक से उतरकर अपराधी मुखिया के गाड़ी के समीप कुछ रुपए बिखेर देता है। दूसरा अपराधी आकर बोलता है कि आपका रुपया गिरा पड़ा है। पूर्व मुखिया की पत्नी गाड़ी से उतरकर नीचे बिखरे हुए रुपया को बटोरने लगते हैं और तीसरा अपराधी, जो लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है, गाड़ी से रुपए का थैला लेकर फरार हो जाता है। यह घटना कल शहर में वी मार्ट के समीप हुई। यदि महिला दूसरे के रुपए के लालच में नहीं पड़ती तो शायद उनकी गाढ़ी कमाई बच सकती थी। उधर वीआईपी इवेंट के द्वारा आयोजित किया गया मिस क्वीन ऑफ भागलपुर और इसका आयोजन होटल वैदिक में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य रूप से भाजपा के नेता प्रशांत विक्रम ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर भागलपुर के उप महापौर प्रीति शेखर, सबाना दाऊद
अरुणिमा सिंह, अनीता सुमन, चांदनी सिंह, जिया गोस्वामी, डॉक्टर अजय भारती समेत कई लोग खासतौर से उपस्थित थे। मिस क्वीन ऑफ भागलपुर में 32 लड़कियों ने भागीदारी निभाई, जिसमें पहले नंबर पर भागलपुर भिखनपुर की बेटी रूपसी हुई। वहीं दूसरे नंबर पर मिर्जान भागलपुर की रचना शाह चुनी गई, जबकि तीसरे नंबर पर सबौर भागलपुर की सानू शर्मा चुनी गई। प्रथम स्थान आकर भागलपुर की बेटी रूपसी कुमारी मिस क्वीन ऑफ भागलपुर चुनी गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुकुल परिवार की ओर से 21,000 रुपए का चेक पाकर वे काफी खुश हैं। गुरुकुल के चेयरमैन इंदिरा देवी और एमडी पवन मिश्रा के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उधर बिहार के नालंदा से खबर मिल रही है, यहाँ भी अपराध कर्मियों ने बेखौफ अंदाज में आज फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ एक पत्रकार आरजू बक्स पर हमला कर दिया गया। इस घटनाक्रम में पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। नालंदा जिले में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, यह आज सामने आया। कल रात अस्थमा थाना क्षेत्र के माफी गाँव में संवाददाता आरजू बक्स पर अपराध कर्मियों ने जानलेवा हमला बोल दिया। घटना के संबंध में आरजू बक्स ने बताया कि कल देर शाम अपने मकान माफी जा रहे थे, जैसे ही गांव में मैरिज हॉल के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराध कर्मियों ने 10 की संख्या में आकर उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। हथियार के बट और लोहे के रड से मारकर उन्हें बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत स्थानीय थाने की पुलिस से की गई है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी है। अब जो अपराधी दल थे वो किसी आदमी को उठाकर लेकर जा रहे थे मारने के लिए। जब हमने विरोध किया तो उसको छोड़कर सारे लोग हमसे मारने लगे, हमने मारने लगे और 10-12 आदमी मिलकर के सबको। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? गिरफ्तार हो और उसको थाना का संरक्षण प्राप्त है, तो कम से कम थाने पुलिस को जो भी हो सके उचित कार्रवाई की जाए।